हमने क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स डिस्कस किया था, आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स आव्यूह इसको कहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है 3.1, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो मैंने बता दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो में उसका लिंक है, उसको एक बार देख सकते हैं। देखिए, हमने बताया था तो मैट्रिक्स का मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं। ये रो होती है, पंक्ति कहते हैं इसको। ये कॉलम होती है, इसको स्तंभ कहते हैं, C1, C2, C3। और इसका ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम। इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम हैं, जिसका ऑर्डर क्या है 2x3। इसका डिटेल आप वहां देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल यहां नहीं बताएंगे। देखिए, एक यहां चीज आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की समानता, आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, आव्यूह हिंदी में कहते हैं आव्यूह की समानता। देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर समान होगा, उनकी कोटि एक जैसी होगी। जैसे मान लिया हमने कहा ए बी सी डी इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, ये दोनों इक्वल होंगे। एक तो इक्वल हमने लिखा, होंगे नहीं, हमने लिखा। लेकिन ऑर्डर इसका क्या है, इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी 2x2 है। अब ये समान हो सकती है, पहली चीज। और अगर दोनों समान हैं तो इनके जो संगत एलिमेंट होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, एक इसके इक्वल होगा पी के, एक इक्वल होगा किसके, पी के इक्वल होगा, यानी ए इज इक्वल टू पी होगा, बी किसके इक्वल होगा क्यू के, बी इज इक्वल टू क्यू होगा, सी इज इक्वल टू आर होगा और डी इज इक्वल टू एस होगा। इस प्रकार से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। जरा पहली एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, बुक आपके पास होगी उसको देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें एक मैट्रिक्स लिखी इन्होंने, ए इज इक्वल टू 235, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा। तो पहले तो आपसे कह रहे हैं कि भाई इसकी, इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी। हमने बताया था रो क्रॉस कॉलम, पंक्ति कितनी है, रो कितनी है, 1, 2, 3, तीन तो रो हो गई, पर 1, 2, 3, 4 कॉलम हो गए, इसका ऑर्डर क्या होगा 3x4, ये इसका ऑर्डर होगा। दूसरे कह रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी है, वही 12 है, गुणा कर दीजिए, वैसे भी हो गया, गिन लीजिए। तो मान लीजिए हम आपको ना दें और हम क्या बताइए, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x4 है, कितने एलिमेंट होंगे, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 होगा। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका परिचय देना है, ये एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये कह रहे हैं कि A13 क्या होगा, A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा और A23 क्या होगा। जरा इसका परिचय समझिएगा। अगर A13 है तो इसका मतलब पहली रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम है। तो फर्स्ट रो ये होगी और थर्ड कॉलम ये हो गया, तो ये एलिमेंट क्या होगा 19। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये यहां पाया जाता है, ठीक है। A21 सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड 5/2। तो इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है।
सेकेंड एलिमेंट देखिए, ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब ये इसका मल्टीप्लाई 24 है, तो बताइए उसमें कितने ऑर्डर हो सकते हैं, हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल। अब मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। देखिए आप दो नंबर कोई चूज कर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई 24 आता हो, तो आप कहेंगे भाई देखिए वन से स्टार्ट करिएगा, वन का मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 24 आएगा, टू का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 24 आएगा, थ्री का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 24 आएगा, फोर का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24 आएगा, फाइव की टेबल में 24 आता नहीं, सिक्स का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तब 24 आएगा, सेवन में 24 आता नहीं, एट का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब 24 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तब 24 आएगा, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तब 24 आएगा। आप कहेंगे अजीब व्यक्ति हैं आप 1 into 2 24 लिख चुके हैं, 24 into 1 क्यों लिख रहे हैं, अजीब नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब एक रो है और 24 कॉलम है, दो रो 12 कॉलम, तीन रो 8 कॉलम, ये है तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट पॉसिबल मैट्रिक्स यहां पर है, आठ प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है जिनमें 24 एलिमेंट हो। उनको अरेंज करने का तरीका है, इसमें एक रो में अरेंज कर देंगे, इसमें दो रो और 12 कॉलम बना देंगे। फिर कह रहा है कि अगर 13 एलिमेंट हो तो इसी का एक पार्ट करें, देयर आर 13 एलिमेंट, तो 13 आप जानते हैं इट इज अ प्राइम नंबर, यह अभाज्य संख्या है, तो 13 into 1 and 1 into 13 ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 18 एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, तो हाउ मेनी आर पॉसिबल, ये अपने आप कर लेंगे, वे 18 एलिमेंट्स हैं, 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 4 into नहीं होता उसमें, 5 into नहीं होता, 6 into 3 निकाल लेंगे इसको। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए हमने एक चीज बताई थी कि मैट्रिक्स को, इसके पहले वाला देख लीजिएगा थोड़ा, ए आई जे से लिखते हैं, अगर कोई एलिमेंट लिखना है, कोई अवयव लिखना है, ए आई जे लिखिए, इसका मतलब आईथ रो जेथ कॉलम का एलिमेंट है, और जब इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये बन जाती है मैट्रिक्स, और यहां मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को डिजाइन करके बनाया गया है, समझिएगा। कह रहा है एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाना है आपको 2x2 की, यानी ए आई जे, ये मैट्रिक्स हम बताया ऐसे लिखेंगे, कितने ऑर्डर की बनाना है, 2x2 की। आई जे का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, ये पृथ्वी कहां पाया जाता है, ये आईथ रो पृथ्वी पे नहीं, ये मतलब पृथ्वी मतलब इसकी मैट्रिक्स पृथ्वी है, आईथ रो और जेथ कॉलम में पाया जाता है। ठीक है, और ए आई जे की जो वैल्यू दी है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट देखिए, इन्होंने ए आई जे दिया है आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई टू, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई टू, तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो आप जानते हैं एलिमेंट क्या लिखेंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, चाहो तो अलग बना लो, चाहो यही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अगर कैलकुलेशन इजी है तो वही बना सकते हो, टफ है तो अलग बना सकते हो। ए वन वन का मतलब आई वन है और जे वन है, आई को वन लिखो, जे को वन लिखो, क्या बन जाएगा ये, वन प्लस वन होल स्क्वायर होल बाई टू, यहां ये आई वन है और जे टू है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू, ये क्या है, ए टू वन, आई टू है और जे वन है, तो टू प्लस वन होल स्क्वायर बाई टू, ये टू टू है तो टू प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर बाई टू मतलब टू, ये थ्री स्क्वायर बाई टू यानी नाइन बाई टू, ये भी नाइन बाई टू, और ये कितना आएगा, 16 by 2 यानी एट। इस प्रकार से मैट्रिक्स को फॉर्म करें, ये कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या किया इन्होंने, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी में लिखेंगे, तो छोटी सी है, देखिए सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि ए आई जे जो है, ए आई जे जो है वो आई अपान जे है, मतलब रो आई और जे को अपान में लिखना है। यहां क्या लिखेंगे आप, ये वन अपान वन आएगा यानी कि वन, ये वन अपान टू आएगा यानी कि वन अपान टू, ये टू अपान वन आएगा और ये टू अपान टू आएगा, बस हो गया, यानी ये वन आएगा, ये वन अपान टू आएगा, ये टू आएगा, ये वन आएगा,
इस प्रकार से सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट कह रहे हैं आई प्लस टू जे होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि जो ए आई जे है वो आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर होल बाई टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई को वन वन का मतलब क्या है, आई को वन रखिए, जे को वन रखिए, तो क्या होगा वन प्लस टू इंटू वन टू का होल स्क्वायर बाई टू, आई वन जे टू, तो वन प्लस फोर होल स्क्वायर बाई टू, ये टू वन है, आई हो गया टू, जे हो गया वन, तो टू प्लस टू होल स्क्वायर बाई टू, आई टू जे टू, तो क्या हो जाएगा टू प्लस फोर होल स्क्वायर बाई टू। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये क्या आएगा टू प्लस वन थ्री, थ्री होल स्क्वायर नाइन, नाइन बाई टू। ये होल स्क्वायर नीचे नहीं है, ध्यान रखिएगा ये होल स्क्वायर ऊपर है न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा नाइन बाई टू, फोर प्लस वन फाइव होल स्क्वायर यानी कि 25 बाई टू, फोर का होल स्क्वायर यानी कि 16, 16 बाई टू यानी कि 8, 6 होल स्क्वायर 36 बाई टू यानी कि 18। इस प्रकार से ये आप बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जहां समझ में ना आए उसमें थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा इसको बता देंगे कैसे आया है, बहुत ईजी है वैसे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स बनानी है। हमें मैट्रिक्स का क्या होता है कि आप जब लिखेंगे ए आई जे, ये एलिमेंट है, ये एक अवयव है, जब ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मैट्रिक्स, और थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स बनानी है, इसका नाम दिया ए। इसका मतलब क्या है, इसमें तीन रो है और चार कॉलम है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, यानी कि तीन रो है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, चार कॉलम हो गए, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर। इस प्रकार से आप इसको कैसे बनाएंगे, और ए आई जे की वैल्यू क्या दीजिए, देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि जो ए आई जे है दैट इज हाफ मॉड माइनस थ्री आई प्लस जी, हाफ मॉड माइनस थ्री आई प्लस जी। मॉड के बारे में जानते हैं कि नाइदर पॉजिटिव ना निगेटिव, ये बात ध्यान रखिए, 5 का मॉड माइनस 5 का मॉड आप कहते हैं प्लस होता है, ये तो होता है, लेकिन आप ये नहीं ले सकते, मॉड का मतलब विदाउट एनी साइन, वो एक अलग बात है, हमने पढ़ रखा है नो साइन मीन्स पॉजिटिव साइन, बट डजेंट मीन दैट यू विल अप्लाई पॉजिटिव साइन, दैट इज रॉन्ग। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ए वन वन अलग निकालिए, ए वन वन कैसे निकलेगा, आई को वन रखिए, जे को वन रखिए, तो आएगा हाफ मॉड माइनस थ्री प्लस वन, हाफ या आएगा मॉड माइनस का टू, ये प्लस का टू बाई टू यानी कि वन हो गया, ए वन वन क्या हो गया वन आ गया, ए वन टू निकालिए, हाफ मॉड आई को रखेंगे वन तो दैट इज माइनस थ्री, प्लस जे को रखेंगे टू दैट इज टू, हाफ व्हाट इज दिस माइनस वन यानी दिस विल बिकम वन बाई टू, ए वन थ्री निकालिए, हाफ मॉड आई को रखेंगे वन दैट विल बिकम माइनस थ्री, जे को रखेंगे थ्री दैट विल बिकम प्लस थ्री दैट इज जीरो, ए वन फोर हाफ आई इज वन मीन्स माइनस थ्री प्लस फोर दैट इज वन बाई टू, ये निकला है। ऐसा करते हैं कि आप तो बाद में लिखेंगे, हम यहीं पर वैल्यू पुट किए दे रहे हैं, ठीक है, ए वन वन की जगह, ए वन टू की जगह, ए वन थ्री और ए वन फोर। ए वन वन इज वॉट, ए वन वन इज वन, ए वन टू इज वन बाई टू, ए वन थ्री इज जीरो, ए वन फोर इज वन बाई टू। अब ए टू वन निकालते, ए टू वन आई को रखेंगे जे टू और जे को रखेंगे वन, तो क्या आएगा हाफ मॉड माइनस टू रखेंगे कितना है सिक्स आएगा, प्लस का वन आएगा, तो दिस विल बी माइनस फाइव यानी फाइव बाई टू, ए टू टू आई इज टू जे इज टू हाफ, ये तो टू है माइनस सिक्स प्लस टू, हाफ मॉड माइनस फोर मीन्स फोर बाई टू यानी कि टू, ए
टू थ्री, आई इज टू जे इज थ्री, तो हाफ मॉड माइनस सिक्स प्लस थ्री, हाफ मॉड माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई टू, मॉड हट जाता है तो इसको पॉजिटिव हो जाती है, वैल्यू ए टू फोर आई टू हाफ मॉड माइनस सिक्स प्लस जे को फोर रखेंगे तो दैट विल बिकम हाफ मॉड माइनस टू यानी कि वन, ये वैल्यू आ गई, इसको भी यही रख देते हैं ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर। ए टू वन इज व्हाट फाइव बाई टू, इट इज टू, इट इज थ्री बाई टू और इट इज वन। थर्ड रूल देखिए इसमें, ए थ्री वन हाफ, आई इज व्हाट आई इज थ्री जे इज वन, तो रखेंगे क्या आएगा माइनस का नाइन प्लस वन दैट इज हाफ मॉड माइनस एट, यानी कि एट बार आएगा तो फोर बचेगा। ए थ्री टू यानी आई इज थ्री जे इज टू, हाफ माइनस नाइन प्लस टू, हाफ माइनस सेवन यानी कि सेवन बाई टू। ए थ्री थ्री आई इज थ्री जे इज थ्री, हाफ माइनस नाइन प्लस थ्री, हाफ माइनस सिक्स प्लस सिक्स आएगा यानी कि थ्री आएगा। ए थ्री फोर हाफ माइनस नाइन प्लस फोर यानी कि हाफ माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई टू, वैल्यू आ गई, इसको उठाकर रख दीजिए वहीं पर, वहीं पे मतलब आप मत काट दीजिएगा, आप लास्ट में लिखिएगा, आपके पास कॉपी होगी प्लेस होगा और आपको रब नहीं करना वहां पर। ये कितना आया है, यह आया है फोर, इट इज सेवन बाई टू, इट इज थ्री और इट इज फाइव बाई टू, तो दिस वे यू विल फाइंड दिस वैल्यू। ये ए आई जे का इंट्रोडक्शन था, उसी हिसाब से वैल्यू मिलेगा। सेकेंड पार्ट में ए आई जे लिखा है इन्होंने, तो सेकेंड पार्ट इसमें है वो ए आई जे लिखा है इन्होंने टू आई माइनस जे, निकाल लेंगे आप इसमें, इतने मॉड नहीं है, आई को रखेंगे इधर रहते हैं बिल्कुल सेम, ये तो ऐसे ही लग जाएगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए सिक्स का फर्स्ट पार्ट, दो मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी है फोर एक्स थ्री फाइव इज इक्वल टू वाई वन जेड फाइव, मालूम है दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप क्या लिखें, इक्वेटिंग बोथ द साइड, इक्वेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ की तुलना करने पर तो फोर किसी पर हो जाएगा वाई के, वाई क्यों निकल आई, एक्स इज इक्वल टू वन और फाइव इज इक्वल टू फाइव भाई है और थ्री इज इक्वल टू जेड, जेड इज इक्वल टू थ्री, तो दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट कह रहा है दो मैट्रिक्स हैं, ये लिखा है एक्स प्लस वाई, ये फाइव प्लस जेड टू एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव एट, फिर वही चीज इक्वेटिंग बोथ द साइड, तो इक्वेट करो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी सिक्स, पहला ही क्वेश्चन टू इज ऑलरेडी इक्वल टू टू, फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, तो z की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई जीरो, z निकल आया आपका, एक्स वाई इज इक्वल टू एट, ये दूसरा ही क्वेश्चन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालिए, यहां से y उठाइए या x उठाइए, यहां रखिए, तो y क्वेश्चन वन, y क्या निकलेगा सिक्स माइनस एक्स, ये वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन टू, दो में इसको रख दीजिए, दो क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू एट, वाई का मान रखिए एक्स
वाई क्यूब है 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये ध्यान रखिएगा, देखिए जब इसको फैक्टर करेंगे तो कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए, इसको उधर ले जाओ, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर करने आपको आते हैं, 8 प्लस में है, 8 के ऐसे टुकड़े के लिए जिनका प्लस 6 है, 4 टू जाए 4 प्लस 2 6 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, ये y का मान ध्यान रखिएगा 6 माइनस 6 का, दो फैक्टर्स आ गए, तो एक बार x माइनस 4 को 0 कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और एक बार x माइनस 2 की वैल्यू 0 कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब दो x की वैल्यू है, वेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू वॉट 6 माइनस 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो एक ये ग्रुप हो जाएगा एक साथ, वेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये दो ग्रुप आपके हो जाएंगे, ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स बड़ी टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा, अभी तो नहीं, आगे जब पढ़ाया जाएगा तो बड़ी टेक्निकल है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एक सिस्टम इसका है, अच्छी बात है कि एक सिस्टम से चलती है, इसका एक प्रोटोकॉल है कि भाई ऐसे चलेगी, बस ये गाड़ी आगे चलेगी, ये गाड़ी पीछे चलेगी, ऐसा नहीं कि जिसको चार जहां चार लगाते हैं, जी नहीं। इसके बाद देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो अपने आप करिएगा, मैं बता देता हूं, थर्ड पार्ट देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7। तो पहले इक्वेटिंग को साइड करेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट दैट विल कम 9 फर्स्ट इक्वेशन, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 थर्ड इक्वेशन, ये जेड है। देखिए अगर इक्वेशन 2 से ये एक्स प्लस जेड की जगह 5 रख दीजिए, तो बाई इक्वेशन 2, ठीक है, वैसे तो सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होना चाहिए, लेकिन जनरली मैथ में पुटिंग रख दिया जाता है, पुटिंग गलत है, पुटिंग का मतलब होता है एक चीज उठा के यहां से यहां रख दी, अब ये वहां नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अब रखते हैं तो रख रहे हैं, बाई इक्वेशन 1 पर लिखने में जल्दी हो जाती है, पुटिंग एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 2 से रख रहे हैं, तो 1 में रखो एक्स प्लस जेड क्या हो जाएगा 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू वॉट 4, वाई निकल आया, अब y को यहां रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो दिस विल बिकम y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जेड इज इक्वल टू 3, जेड को उठा के यहां रख दो, पुटिंग जेड इन इक्वेशन 2, तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 2, तो दिस विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये हो गया इक्वेटिंग द मैट्रिक्स। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, बुक सामने रख लीजिएगा, क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, सेवेंथ भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, सेवेंथ भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, ए माइनस बी, टू ए माइनस बी, टू ए प्लस सी, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 1 0 5 10, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, वही क्वेटिंग बोथ द साइड, दोनों तत्व की तुलना कर दीजिए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, 2a माइनस बी क्या हो जाएगा ये 0, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, 2a प्लस सी क्या हो जाएगा 5, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, और 3c प्लस डी क्या हो जाएगा 10, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, आप सॉल्व करिएगा,
देखिए इन दोनों में ए बी दिख रहा है तो दोनों को सॉल्व करो, लेकिन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे लिख दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन और टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इसको सेपरेट कर दोगे घटाने पे, तो घटाने पे साइन बदल जाएगा तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू माइनस वन, ए निकला है, सॉरी ये माइनस में वन है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस वन है। ए को उठा के क्वेश्चन नंबर टू में कर दो पुटिंग, ए इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस है वन इन इक्वेशन टू, टू में रख दो तो क्या आएगा टू माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू क्या हुई टू, बी निकल आया, ए की वैल्यू क्वेश्चन थ्री में रख दो सी निकल आएगा, सी आ रहा तो डी निकल रहा है, इस प्रकार से वैल्यू सॉल्व करेंगे, एबीसीडी की वैल्यू निकल आएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू हमने बताया था ए आई जे एक एलिमेंट होता है, ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो ये मैट्रिक्स हो जाती है और यहां पर इसका ऑर्डर होता है, इसको मैट्रिक्स लिखते हैं। पर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बताया गया था आपको रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको वर्ग आव्यूह कहते हैं, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा एम इज इक्वल टू एन, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी है या डायरेक्ट एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दिया है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, लैंग्वेज समझिएगा, नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ में दिया है थ्री एक्स प्लस सेवन, थ्री एक्स प्लस सेवन वाई प्लस वन फाइव टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो एट वाई माइनस टू एंड फोर। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स एज इक्वल, आपको एक्स और वाई के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर, वो कहते हैं कौन सा पेयर इसको इक्वल बना रहा है, ये इक्वल होंगे तो एक्स और वाई क्या होना चाहिए, पहले से इक्वेटिंग द मैट्रिक्स कहते हैं, जब इक्वेट करेंगे 3x प्लस 7 की वैल्यू क्या होगी जीरो पहली बात, 5 इज इक्वल टू वाई माइनस टू दूसरी बात, y प्लस वन इज इक्वल टू एट तीसरी बार जानबूझ के वैल्यू नहीं निकाली, और 2 माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर ये चौथी बार, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जरा देखिए बाई क्वेश्चन वन, x का मान क्या निकलेगा माइनस सेवन अपॉन थ्री, और बाई क्वेश्चन फोर यहां से x क्या निकलेगा, x को उधर ले जाओ 2 माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर, फोर का धन आइए 2 माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ये दोनों x की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वलिटी, तो द इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो x की वैल्यू ये है वो यहां संतुष्ट नहीं कर रही है और इसकी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये इक्वल नहीं होंगे कोई भी, ऐसा नॉट पॉसिबल, इसमें ये संभव नहीं है। ठीक है एक टेंथ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। देखिए एक मैट्रिक्स लिखिए, पहले उस मैट्रिक्स का नाम लिख लीजिएगा, ए इज इक्वल टू ये फोर क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स लिखिए, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, आप कहेंगे नाइन एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री विथ ईच एंट्री जीरो एंड वन, जीरो और वन, यानी यहां पर या तो मैं जीरो लिखूं या तो वन लिखूं, यहां जीरो लिखूं या वन लिखूं, यहां जीरो लिखूं या वन लिखूं, तो कितनी प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है, आपने यहां जीरो लिखा हमने यहां वाला लिखा, आपने यहां वाला लिखा हमने यहां जीरो लिखा, आपने यहां जीरो लिखा हमने यहां वाला लिखा, तो मैट्रिक्स चेंज आएगी। तो देखिए ध्यान से इस प्लेस को कितनी तरीके से भर सकते हैं, यानी कि ए वन वन कैन बी फिल्ड बाई
कितने वेज, कितने तरीके से, टू वेज, दो तरीके से भर सकते हैं, या तो इसमें आप जीरो लिखेंगे या तो इसमें वन लिखेंगे। ए वन टू कितने तरीके भर सकते हैं, दो तरीके से। ए वन थ्री कितने तरीके भर सकते हैं, दो तरीके से। ए टू वन के तरीके दो, ए टू टू के तरीके दो, ए टू थ्री के तरीके दो, ए थ्री टू थ्री वन के तरीके दो, ए थ्री टू के तरीके दो, ए थ्री थ्री तरीके दो, सबके दो तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू टू इंटू टू अप टू नाइन टाइम्स, नाइन टाइम्स, तो टू टू पावर नाइन यानी 512 तरीके इसके होंगे। ठीक है, तो ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स।